तो स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में, मैं समीर शुक्ला और आज हम लोग द थर्ड लेवल के लॉन्ग आंसर को लिखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर अभी तक आपने हिंदी एक्सप्लेनेशन यानी सिलेशन के बारे में पूरी तरह से नहीं जाना है, उसकी हिंदी नहीं जानी, स्टोरी नहीं जानी है, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो आप वो वीडियो जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप देखें, उसके बाद आप शॉर्ट आंसर देखें, उसके बाद लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर टोटल चार है, जिसमें मैंने आपको आज के वीडियो में सिर्फ दो बताए हैं, कल के वीडियो में दो, यानी इसके पार्ट वन और पार्ट टू होंगे। आज का वीडियो पार्ट वन होगा लॉन्ग आंसर द थर्ड लेवल का, शुरुआत के दो, ठीक है। सात नंबर का है ये, बोर्ड के से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि हम लोग पहली बार पढ़ेंगे, अभी तक ये सब चीजें नहीं पढ़ते थे, अभी तक हम लोग फेलो ट्रैवलर और ये सारी वर्ड, ये सारी कंडीशन, ये सारी स्टोरीज होती थी उनको पढ़ते थे। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, आप उसको शेयर जरूर करें। और चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले लॉन्ग आंसर की। पहला क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट वाज द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल क्या था, वेयर इट वाज सिचुएटेड, वो कहां स्थित था, एंड हाउ वाज डिस्क्राइब, और पूरा रीजन के सहित बाई साइकेट्रिस्ट सैम, सैम ने उसके बारे में क्या क्या चीजें डिस्क्राइब की, वर्णन उसका किया, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं कि द थर्ड लेवल वॉज सबवे। थर्ड लेवल क्या था, एक सबवे था, एक तरह से स्टेशन की तरह हम कह सकते हैं। इट वॉज सिचुएटेड एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, वो न्यूयॉर्क का एक स्टेशन है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बहुत बड़ा स्टेशन है, वहां पर स्थित था। साइकेट्रिस्ट सैम सेड, साइकेट्रिस्ट जो मनोचिकित्सक था सैम ने कहा कि, या वो बताता है उस थर्ड लेवल के बारे में क्या क्या बताता है, कि इट वॉज अ वॉकिंग ड्रीम विथ वेकिंग ड्रीम विथ फुलफिलमेंट, कि ये किसी सपने की तरह या सपने के सच होने के जैसा है, क्योंकि थर्ड लेवल जैसी कोई चीज ही नहीं थी, फिर भी थर्ड लेवल को बताया जा रहा है, क्योंकि मैंने आपको इसके बारे में कई बार बताया, तो आप उसको वीडियो जरूर देखें, उसका एक्सप्लेनेशन। सैम एक्सप्लेन दैट, सैम बताता है कि ही मीन द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी फियर एंड वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। उसका कहने का मतलब है कि ये जो आज की दुनिया है वो पूरी तरह से सुरक्षा और डर और जो चिंता है वो उससे भरी हुई, असुरक्षा डर और चिंता से भरी हुई है। एंड ही जस्ट वॉन्ट टू स्केप ऑफ इट, और वो इन सब चीजों से भागना चाहता है। कौन, चार्ली की बात हो रही, सैम बता रहा है लेकिन चार्ली को बता रहा है कि भाई तुम ये चीजें कर रहे हो। सबवे वॉज फास्टर देन द बस, सबवे जो था वो एक तरह से जो स्टेशन या जो एक ट्रेन होती है वो बस से कहीं तेज होती है। सैम ऑन रीचिंग देयर, जब सैम खुद अपने आप को जब थर्ड लेवल पर लेके जाता था या थर्ड लेवल वो पहुंचता था, ही वेंट डाउन स्टेप्स टू सेकेंड लेवल, वो जैसे ही उस स्टेशन के अंदर घुसता था तो वो कुछ कदम बढ़ाते सेकेंड लेवल पर पहुंचता था। देन ही वॉक डाउन ऑन अनदर फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, और फिर कुछ सीढ़ियों में चढ़कर ही रीच द थर्ड लेवल, वो थर्ड लेवल पर पहुंच जाता था। जबकि वहां के राष्ट्रपति ने, वहां के स्टेशन मास्टर ने कहा कि केवल दो ही प्लेटफॉर्म है, तीसरा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तीसरा कोई फ्लोर नहीं, तीसरा कोई लेवल नहीं। जबकि ये सैम और जो चार्ली है, इन दोनों को लगता है कि ये थर्ड लेवल पर जा चुके हैं और वहां से होकर भी आ चुके हैं। देयर वर वेरी फ्यू टिकेट्स विंडो, वहां पर कुछ टिकट विंडो थी, एंड ट्रेन गेट्स दैट वर मेड ऑफ वुड्स, और जो ट्रेन के गेट्स थे वो पूरी तरह से लकड़ी के बने हुए थे। डिम गैस लाइट्स वर देयर, और जो वहां पर कुछ गैस लाइट जो जल रही थी वो भी बहुत हल्की थी, बहुत धीरे जल रही थी। देयर वॉज अ ब्रास स्पिटेन एंड पीपल फ्रॉम 18th-19th century, और वहां पर एक तांबे का एक थूक दान था, और वहां के जो लोग थे वो 80-90 शताब्दी वाले थे, यानी 18th-19th century के लोग थे, क्योंकि उनकी जो वेशभूषा थी वो बहुत अलग थी। तो ये था सैम के द्वारा थर्ड लेवल के बारे में बताई गई कुछ बातें, इसे आप नोट कर लें। 150-150 वर्ड का आएगा, 150 वर्ड से ज्यादा आपका लॉन्ग आंसर नहीं होगा, तो आप परेशान ना हो, इसको आप नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको अच्छे से नोट अपनी बना डालें और पहले से तैयारी रखें, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन ये है कि हाउ डिड चार्ली रीच द थर्ड लेवल। चार्ली थर्ड लेवल में कैसे गया। हाउ वॉज ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन अकॉर्डिंग टू चार्ली, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन था कैसा चार्ली के अकॉर्डिंग, और एक्सटेंडिंग एंड वाइड,
क्या था, क्यों था, ये सारी चीजें उसमें उसने बतानी थी इस क्वेश्चन में। तो देखिए, चार्ली वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल। पहले चार्ली गया और वो सबसे पहले फर्स्ट लेवल पर गया। वेयर द ट्रेन्स वर लाइक 20th century, जहां पर ट्रेनें 20वीं शताब्दी जैसे दिख रही थी। ही वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल। उसके बाद उसने दोबारा जब वो सीढ़ी से चढ़कर गया तो वो सेकेंड लेवल पर पहुंचा। देन ही डग्ड इनटू एन आर्च डोर वे हेडिंग फॉर द सबवे एंड गॉट लॉस्ट। और फिर उसके बाद वो एक डोर की तरफ बढ़ा और उसके आगे जब उस वो बढ़ा तो वहीं से वो खो गया, गॉट लॉस्ट हो गया। ही हैड बीन देयर इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन 100 times, क्योंकि वो हजारों या सैकड़ों बार उस ग्रैंड स्टेशन पे आया था और वहां से अपनी ट्रेन पकड़ कर अपने घर जाता था। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ क्या, बट ही वॉज ऑलवेज बंपिंग इन टू न्यू डोर वेज एंड स्टेयर। लेकिन जब जब भी वो आता था उसे नए नए दरवाजे, नए नए सीढ़ियां देखने को मिलती थी। सैकड़ों बार वो ऑफिस से घर के लिए निकलता था तो वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ही आता था, लेकिन जितनी बार वो आता तो उसे नए दरवाजे, नए सीढ़ियां ही दिखती थी। उसके साथ पता नहीं क्या हो रहा था, कॉरिडोर्स। देन ही इंटर्ड इनटू अ थर्ड लेवल, इनटू टनल। उसके बाद वो जैसे वहां पर जाकर खो जाता है, जबकि वो बता रहा है कि कई बार वो आता है, कई बार वो आया है, नए नए खिड़कियां दरवाजे उसको दिखाई देते हैं। और उसके बाद वो एक जब वहां खो जाता है, उसके बाद वो आगे बढ़ता है तो उसे वो एक टनल यानी एक उसके नीचे घुस जाता है, टनल के नीचे। अकॉर्डिंग टू चार्ली, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन वॉज ग्रोइंग लाइक अ ट्री। चार्ली के अकॉर्डिंग वो जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन था वो एकदम पेड़ की तरह, पेड़ की जो जड़ें होती हैं उसकी तरह बढ़ रहा था। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर, जिसमें नए नए कॉरिडोर्स निकल रहे थे, स्टेयर्स, खिड़कियां, लाइक रूट्स, जैसे उसकी जड़ें पेड़ की जड़ें होती हैं वो लगातार बढ़ती जाती हैं, लगातार नए नए जगहों को घेरती रहती है। उसी तरह वो जो सेंट्रल स्टेशन था, वो जो सेंट्रल स्टेशन था उसका, ये भी खराब हो गया, देख लो, वो जो उसका जो सेंट्रल स्टेशन था वो कैसा था, वो भी उसमें भी नए नए दरवाजे, नई नई खिड़कियां, नई नई चीजें उसमें लगातार आ रही थी। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर एंड स्टेयर्स लाइक रूट्स, देयर वॉज प्रोबेबली अ लॉन्ग टर्न दैट नोबडी नोज दैट द सिटी अंडर हिज वे। यहां तक कि शायद ही कोई जानता होगा कि वो लोग जहां चल रहे हैं उसके नीचे भी कोई शहर है। तो ये था आपका 2 question आज मैंने पार्ट 1 में बताया। कल मैं पार्ट 2 लेके आऊंगा जिसमें 3rd और 4th होगा, जिसके बाद ये लेसन खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम का क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्योंकि उसका मैंने अभी तक सेंट्रल आईडिया और हिंदी एक्सप्लेनेशन ही बताया है। तो आज के लिए इतना ही, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें। आप अपने दोस्तों को बताएं कि भाई बुक चेंज होगी। कई बच्चे मेरे पास फोन करते हैं कि सर बुक चेंज हो गई, तो भैया उनको पता ही नहीं, पिछले 2 महीने से बुक मार्केट में है। तो प्लीज अपने दोस्तों को बताइए जिससे उन्हें ये सारी चीजें पता चल जाए। फिर आज के लिए इतना रखा जाए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें बढ़िया से, और उसके बाद इसकी एक बढ़िया अपनी एक कॉपी बनाए जिससे आपको अच्छे से अच्छा ये याद हो सके। फिर आज के लिए इतना ही, ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही काफी ना, बस इतना ही होना ही चाहिए। दोबारा आराम से छोटा छोटा याद करिए, कोई दिक्कत नहीं, 150 वर्ड है, आप अपने शब्दों में भी चाहे तो इसको लिख सकते हैं। फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू।